कि हम भी हिंदुस्तानी है, हम सस्ता भी लेंगे और जो है ना सबसे अच्छा भी लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंड्यूज। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आपके लिए बेस्ट ऑनलाइन जेई की कोचिंग कौन कौन सी है उसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊँगा, तो इस वीडियो में जो है ना हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक और है जो कि आपका बर्निंग इशू है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि आपको जो है ना IIT जेई की कोचिंग करने के लिए डमी एडमिशन लेना चाहिए या फिर आपको रेगुलर स्कूलिंग जो है वो करनी चाहिए, इसके ऊपर जो है ना हम आज पूरी बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपना टॉपिक ले लेते हैं कि आपको डमी एडमिशन लेना चाहिए, डमी स्कूलिंग करनी चाहिए या फिर जो है ना आपको रेगुलर स्कूलिंग ही चालू रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है ना, मैं बता लूं कि डमी एडमिशन होता क्या है। देखिए, जब भी आप जेई आईटी जेई की कोचिंग करने जाते हो ना, तो होता क्या है कि आपको जो है ना टाइम नहीं मिल पाता स्कूलिंग करने का, तो आप जो है ना स्कूल वालों को कहते हो, जहां भी आप एडमिशन करवाते हो वहां कहते हो कि मैं जो है ना पूरे साल स्कूल की पढ़ाई करने नहीं आ पाऊंगा, इसलिए जो है ना मुझे इस तरीके से एडमिशन दीजिए ताकि जो है ना मैं साल में एक बार एग्जाम जो भी होना उन एग्जाम को देने आ जाऊं, बाकी जो है ना मुझे बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, उसे हम जो है ना डमी एडमिशन कहते हैं। और रेगुलर एडमिशन तो आपको रेगुलर स्कूलिंग तो पता ही है कि रेगुलर बेसिस पे आपको स्कूलिंग जाने का होता है, ठीक है। तो अब जो है ना सवाल ये उठता है कि आपको जो है ना डमी स्कूलिंग करनी चाहिए या फिर जो है ना रेगुलर स्कूलिंग करनी चाहिए, तो इसका जवाब भी जो है ना आप खुद ही दोगे। कैसे दोगे, देखिए स्पेशली देखिए हम बात करते हैं किसकी, आईटी जेई, जो आप आईटी जेई की जब पढ़ाई करते हो ना और जो आपकी बोर्ड है ना उनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है ना, बस यही जो है ना आप समझ लेते हैं, बाकी जो है आपका काम जो है ना हो जाएगा। देखिए, आप जो है ना बोर्ड में क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो कि मुझे जो है ना बोर्ड में, ट्वेल्थ बोर्ड में अच्छे मार्क्स में आ जाए, ठीक है, मार्क्स ही चाहते हो, इसलिए जो है ना आप स्कूलिंग करते हो। आप स्कूलिंग क्यों करते हो, ताकि मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर लिख लेता हूँ कि आपको मार्क्स चाहिए इसलिए जो है ना आप स्कूलिंग करते हो, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर। इसके बाद जो है ना आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, भाई जो है ना आपको जो भी बुक्स है ना NCERT, उन NCERTs को हम पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने के साथ साथ जो है ना हमें जो सिखाया जाएगा उसको हम लर्न करेंगे, उनको जो है ना हम याद रखेंगे और उसके बाद जो है ना उसको डिस्क्रिप्टिव रूप से जो है ना एग्जाम में लिख कर आ जाएंगे, ताकि जो है ना हमें क्या मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाए और हमारे ट्वेल्थ में अच्छे परसेंटेज आ जाए। भाई यही आपका जो है ना एम, आपका पर्पस की बात कर दूँ तो यही पर्पस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं IIT JEE की, तो देखिए IIT JEE में कोई एक्स्ट्रा थोड़ी ना पढ़ाया जाता है, IIT JEE में यही NCERT के बेस्ड पर, ठीक है ना, NCERT के बेस्ड पर जो है ना पढ़ाया जाता है। प्लस मैं बोल सकता हूँ कि 10% जो है ना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ाया जाता है IIT JEE में, ठीक है। IIT JEE में क्या आपको NCERT पढ़ाई जाती है, ऑब्वियसली बात है, आपको आप जब IIT JEE की कोचिंग करते हो ना तो वहाँ पर NCERT कराई जाती है, ठीक है। तो NCERT कराई जाती है, इसका मतलब NCERT के सॉल्यूशन, ठीक है ना, पूरी NCERT के क्वेश्चंस और उनका सॉल्यूशन जो है ना कराया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है ना आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन मीन्स आपको DP20 दी जाती है, आपको शीट दी जाती है, आपको जो है ना मॉड्यूल दिए जाते हैं, आप अलग से जो है ना NCERT भी सॉल्व करते हो और जो है ना साथ साथ अलग बुक, आपके रेफरेंस बुक ला कर उनको भी सॉल्व करते रहते हो, ठीक है। टोटल मिलाकर बात करूँ तो आपको जो है ना बोर्ड में मार्क्स लाने के लिए NCERT पढ़नी पड़ती है, NCERT का सॉल्यूशन आपको करना पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, समझे हो। और JEE में करने जाते हो तो वहाँ पर भी जो है ना ऐसे कोई बात नहीं, NCERT आपको पढ़ाई जाती है, बस आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो 12th में, ठीक है ना, 12th में हिंदी और इंग्लिश का ध्यान रखना पड़ता है, 11th में तो काम आपका हो जाता है, 12th में हिंदी और इंग्लिश को पैरेलल लेकर चलना पड़ता है, और जो है ना 12th में आप 2 महीने दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अगर आपको सिर्फ मार्क्स ही लाने हैं ना 12th बोर्ड में, तो आपको जो है ना जवाब मिल गया होगा कि मुझे क्या करना चाहिए, आपको डमी करना चाहिए या फिर रेगुलर। सिर्फ ऑब्वियसली बात है, आप जो है ना डमी कीजिए, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, बात समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको स्कूल में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है ना उनमें पार्टिसिपेट करना होता है ना, ठीक है। साथ साथ वो क्या चाहते हैं कि हम स्कूल की लाइफ को जो है ना 1-2 साल और थोड़ा जी लेते हैं और थोड़े से जो है ना बोलते हैं कि मजे कर लेते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो आपको जो है ना बोल सकते हैं कि रेगुलर स्कूलिंग कर सकते हैं, बात समझ रहे हो ना, रेगुलर स्कूलिंग जो है ना आप कर सकते हो, ठीक है। आप जो है ना IIT और इसके लिए जो है ना आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, बाकी जो है ना आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको 12th में मार्क्स ही लाने हैं ना, तो कोई रेगुलर स्कूलिंग करने की इतनी आपको जरूरी नहीं है, आप डमी एडमिशन ले सकते हो। अब भैया सवाल ये उठता है कि हम जो है ना अपना डमी एडमिशन कहाँ से, डमी स्कूलिंग जो है ना हम कहाँ से करें, यह सवाल बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो हम
एडमिशन की जो है ना बात कर लेते हैं, डिटेल में बात करेंगे कि एडमिशन जो है ना आपको कहाँ से मिल सकता है। देखिए एडमिशन आपको लेने के लिए जो है ना दो आप जो है ना दो तरीके से जाओगे, एक तो जो है ना आप ऑफलाइन जाओगे ठीक है ना, और दूसरा जो है ना आप ऑनलाइन करोगे ठीक है। अब आप ऑनलाइन कर रहे हो तो इसमें ऑब्वियसली बात है कि आप जो है ना अपने घर पर रहकर ही कर रहे हो ठीक है ना, और अलग से रूम ले रहे हो ना तो भी जो है ना अपने होम टाउन में ले रहे हो, तो सिंपल सी बात है या तो आपके होम यहाँ पर जो है ना ऑनलाइन में होम टाउन में जो भी आपको स्कूल मिलेगी ना वहाँ से आप एडमिशन जो है ना ले लोगे ठीक है ना। देखिए डमी एडमिशन लेने के लिए आपको अलग से कोई स्कूल नहीं होती है, वही जो है ना आपकी स्कूल होती है वहाँ से आप एडमिशन ले लीजिए। अच्छा ऑफलाइन की मैं बात करूँ तो ऑफलाइन में क्या सिस्टम होगा, ऑफलाइन में आप कोचिंग करोगे ठीक है ना, कोचिंग करने के लिए जो है ना आप सीकर कोटा वगैरह कहीं पर भी जाओगे ठीक है ना, जयपुर जाओगे या फिर किसी भी दूसरे स्टेट में आप जाओगे, सिंपल सी बात है ठीक है। अच्छा देखिए अब जब भी आप सीकर कोटा जैसे कि मैं बात करता हूँ कोटा वगैरह कहीं पर भी जाते हो ना, तो वहाँ पर जो है ना आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो जो है ना मैं पूरे साल जेई एडवांस तक कोटा में रहूँ, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं आए, मैं कहीं पर भी नहीं जाऊँ, इस बात समझ हो ना, ऐसा होता है ठीक है। एक तो फर्स्ट टाइप के ये स्टूडेंट्स होते हैं तो उनके लिए जो है ना ये नेसेसरी हो जाता है कि जो आप स्कूलिंग कर रहे हो ना वो अपने आसपास ही करो, जैसे कि कोटा में जा रहे हो तो कोटा से ही स्कूलिंग करो, ताकि जो है ना आपको बोर्ड एग्जाम के जो दो महीने होते हैं ना वह उसके लिए कहीं दूसरी जगह अपने होम टाउन में नहीं जाना पड़ेगा ठीक है ना। तो पहले स्टूडेंट्स तो उनके लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोटा में जो है ना ढंग से कोई ऐसी स्कूल ढूंढे जो 10 से 20 हज़ार में मिल जाता है ठीक है, ढूंढनी पड़ेगी वहाँ पर जो है ना तभी आपको मिलेगी, बाकी तो जो है ना सभी महंगी हो पड़ी है ठीक है। और दूसरे ऐसे होता है कि भाई ठीक है मैं अगर दो मतलब बीच में जो दो महीने आते हैं ना ठीक है ना बोर्ड के, उसके लिए मैं अपने होम टाउन में चला जाऊंगा और जो है ना मैं ज़्यादा अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करूंगा, वहाँ पर भी पढ़ूंगा बोर्ड के साथ साथ, तो जो है ना वो अपने होम टाउन से एडमिशन ले सकते हैं, होम टाउन से जो ना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आपको सब पता है वहाँ का सिस्टम क्या होता है कैसे होता है, बात समझ रहे हो ना, तो इस तरीके से जो है ना आप कर सकते हो। देखिए दूसरे वाला तो बिल्कुल सही है, पहले वाले में आपको जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो इस तरीके से जो है ना आप एडमिशन ले सकते हो, समझ के बाद ये आपका जो है ना पूरा हो गया डमी और रेगुलर स्कूलिंग का। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कि आपके ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए, ऑनलाइन ITJEE की कोचिंग करने के लिए बेस्ट ऑनलाइन जो है ना प्लेटफॉर्म कौन कौन से है ठीक है। चलो देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए जो है ना ऑनलाइन JEE के लिए ऑनलाइन कोचिंग लाऊंगा, वो भी जो है ना मिनिमम कॉस्ट में, काफ़ी जो है ना आपके लिए फ्रेंडली होगी, बजट फ्रेंडली होगी ठीक है। अब जो है ना वो काम मैं करने गया ना, एक दो तो मुझे पता था लेकिन मैं चाहता था कि और भी जो है ना आपको अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिल जाए, तो वो काम करने गया मैंने ढूंढा ना तो मुझे इतने सारे प्लेटफॉर्म मिले कि मैं मतलब बात ही नहीं कर सकता, खूब सारे, लेकिन उनकी एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी थी जो कि क्या थी कि इतने महंगे थे, मतलब मुझे कल पता चला है कि इतने महंगे भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं ठीक है। कुछ एक से तो मैंने बात भी की कि इतने भाई उनको कॉल किया कॉल सेंटर में और बात की कि भाई इतना महंगा क्यों होता, वो बोल रहे थे कि हम काफ़ी अच्छी क्वालिटी देते हैं, तो इन सब को जो है ना देख के मुझे एक बहुत ही बढ़िया सी एड याद आ गई जो कि काफ़ी बढ़िया आपको भी अच्छे लगे कि सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सब कुछ है ना देख लो ठीक है ना। तो जो है ना यार मतलब ठीक है, मैंने सोचा क्या करें, फिर जो है ना दिमाग लगाया कि हम भी हिंदुस्तानी है, हम सस्ता भी लेंगे और जो है ना सबसे अच्छा भी लेंगे। फिर जो है ना मुझे एक दो तो पता थे, एक ही पता था, दो तीन और ढूंढे जो कि आपके लिए काफ़ी बोल सकता हूँ कि बजट फ्रेंडली है, आपके पॉकेट फ्रेंडली है और जो है ना आप उसका खर्चा खुद ही उठा सकते हो पहली बात, और इतनी बेस्ट क्वालिटी है ना आपको खुद को जो है ना एहसास हो जाएगा। तो जो है ना मैं उनका यहाँ पर कंपैरिजन कर, वैसे तो सभी बेस्ट है लेकिन इन तीनों का जो है ना कंपैरिजन कर लेता हूँ। सबसे पहला है उत्कर्ष ठीक है ना, उत्कर्ष क्लासेस यह जो है ना सबसे पहला है ठीक है। उसके बाद जो है ना बहुत ही बढ़िया बहुत ही फेमस चैनल है जो कि कौन सा है अपन का, फिजिक्स वाला, आपको पता नहीं, अगर आपको पता है तो आप तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है ना तो पता कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया चैनल है ये ठीक है ना। उसके बाद तीसरा आपके लिए सस्पेंस है, तीसरा तो आपके लिए सस्पेंस है, बताना पड़ेगा, लेट बताऊंगा। उत्कर्ष क्लासेज और फिजिक्स वाले की मैं बात करूँ तो उत्कर्ष क्लासेज हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों, फिजिक्स वाला इंग्लिश मीडियम के लिए है। लेकिन रुको, यहाँ पर हिंदी वाले जो है ना मुंह मत फेर लेना, हिंदी मीडियम वाले जितने भी है ना, देखिए इंग्लिश मीडियम का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आ गया और इंग्लिश में बक 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 कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड्स बोलता है बाकी तो समझाता हिंदी में ही है। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, इंग्लिश में पढ़ा हूँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश मीडियम से आप पढ़ सकते हो और मेरा हिसाब से तो आपको पढ़ना ही चाहिए ठीक है। क्वालिटी के हम चेकअप कर लेते हैं, देखिए
सबसे पहले तो देखिए इसमें लाइव भी मिलेगा आपको प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, ठीक है ना, ये बात आप समझ में होंगे। साथ ही साथ ये आपको बोल रहा है कि ई हम नोट्स भी देंगे आपको, ई नोट्स भी देंगे और जो है ना ई बुक्स भी देंगे, ठीक है ना, इनका बोलना है कि ई नोट्स और ई बुक्स भी आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है ना हम उनका कहना है कि जो है ना हम डेली बेसिस पर क्विज देंगे, ठीक है ना, डेली बेसिस पर क्विज भी आपको जो है ना देते रहेंगे और इन क्विज का वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है ना, वीडियो सॉल्यूशन हम डेली बेसिस पर क्यों जाएंगे और उनका वीडियो सॉल्यूशन भी जो है ना आपको मिल जाएगा। इतने सब जो है ना फैसिलिटी आपको ये दे रहा है। फिजिक्स वाला की बात करते हैं, मैंने बेस्ट क्यों कहा, देखिए बेस्ट इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो है ना लाइव भी आपको मिलेगा और रिकॉर्डेड भी आपको जो है ना मिल रहा होगा इसमें, ठीक है। साथ ही साथ क्या मिलेगा आपको, आपको जो है ना DPPs भी मिलेगी, ठीक है ना, DPPs, चलो इसकी बाद में बात करते हैं। साथ ही साथ आपको जो है ना मैं बोल सकता हूँ कि ई नोट्स भी आपको जो है ना मिल जाएंगे, ठीक है ना, हर एक चैप्टर के ई नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको DPP आपको समझ में आ होगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली बेसिस पर जो आपको चैप्टर बढ़ाया है ना उसकी DPPs मिलती रहेगी, प्लस साथ साथ आपको शीट मिलती रहेगी। शीट आपको समझ में आता है, एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके जो असाइनमेंट मिलते हैं ना वो आपके असाइनमेंट होंगे, ठीक है, ये बात आपको आई समझ में। साथ ही साथ आपके इनको इन सभी के जो है ना वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है ना, वीडियो सॉल्यूशन ना जो आपको DPP दिए ना उनका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, ठीक है। और क्या मिलेगा, और भैया हमें जो है ना इसमें मिलेगा क्या, डाउट सॉल्विंग, ठीक है ना, डाउट सॉल्विंग भी हमको जो है ना यहाँ पर मिलने वाला है। और जो है ना और क्या मिलेगा, और मिलेगा इसमें टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज जो कि जो है ना पूरी जेई के पैटर्न पर बेस्ड है, जेई पैटर्न पर बेस्ड है। और जो है ना ये हर 21 डेज में जो है ना एक टेस्ट आपका होगा, और अगर आप मिस भी हो गए ना तो बाद में भी आप टेस्ट दे सकते हो। तो ये पूरी इतनी सारी जो है ना फैसिलिटीज आपको मिल रही है, बात समझ रहे हो ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले तो इसको लेंगे ही, साथ साथ हिंदी मीडियम वाले थोड़ी बात भी इंग्लिश समझ में आती है ना ले लीजिए इसको, बहुत ही बढ़िया आपका यह, मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया आपका यह क्या बोल सकते हैं इसको, बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, यह भी काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखिए मैं बोल रहा हूँ तो मैं आपको सजेशन इसका इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने जो है ना बोल सकता है एक्सपीरियंस किया है, इनका अभी इतना देखा नहीं है मैंने जो है ना, मैं कुछ जो है ना कज़न थे उनके 3 जनों का जो है ना यह फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म उनको जो है ना ज्वाइन करवाया, सब्सक्रिप्शन दिलवाया है, और जो है ना मैंने खुद उनके जो है ना वीडियोस देखे, उनको जो है ना पूरी ऐप को वगैरह को देखा, तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सही ढंग से जो है ना सही मैनर में इन्होंने अपना काम कर रखा, ठीक है। प्राइस की बात कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो प्राइस की बात करूँ तो इसका जो है ना पर एनम मतलब एक साल का सिर्फ 5,000 रुपये है, कितना है 5,000 रुपये, इसका तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा होना नहीं चाहिए, इसका जो है ना 6,000 रुपये है एक साल के, ठीक है ना। अर्जुना जेई बैच है ये आप ले सकते हो 6,000 रुपये, मतलब दिन के 15 से 18 रुपये जो है ना आप इकट्ठा कीजिए, 15 से 18 रुपये इकट्ठा कीजिए और जो अपना एक साल में इस पूरे को जो है ना अपना एफर्ट कर सकते हो फिजिक्स वाले के कोर्स को, काफ़ी जो है ना मिनिमम है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, समझ रहे हो ना। तो ये आपका फिजिक्स वाला और उत्कर्ष क्लासेस हो गया। थर्ड भैया कौन सा है, थर्ड देखिए थर्ड में जो है ना काफ़ी फेमस भी होगा, पक्का काफ़ी फेमस होगा, और उत्कर्ष क्लासेस जो फिजिक्स वाला में प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसकी माइनस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इनके जो कोर्स है ना वो पहले चालू हो गए, जैसे कि फिजिक्स वाला की मैं बात करूँ तो आपको जो है ना ये 10 मई से जो है ना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है, तो अब जो है ना आपके कितने हैं, अभी लगभग बोल सकता हूँ कि मैं अगस्त आने वाला है, तो लगभग जो है ना 2 महीने 3 महीने हो गए हैं, 3 महीने का बैकलॉग्स आपको कवर करना पड़ेगा, एक ये माइनस पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे आ रहे हैं अमन भैया, कौन है अमन भैया, इनको तो आप जानते होंगे, अमन दत्तरवाल को, ठीक है ना, अमन दत्तरवाल जो है ना इनको आप जानते ही होंगे कौन है, अगर नहीं जानते हो तो आप जो है ना काफ़ी पीछे हो, इस दुनिया में काफ़ी पीछे हो, और अगर जानते हो तो बहुत ही मतलब बोल सकता हूँ कि दूसरे एलन मस्क में बोल सकता हूँ। तो उन्होंने जो है ना 2 अगस्त को जो है ना अपना कोर्स जो है ना रिलीज़ करने वाले है, 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त को कोर्स रिलीज करेंगे, इसका मतलब जो है ना 10 अगस्त से आपकी पढ़ाई आसपास स्टार्ट हो जाएगी, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और जो है ना उन्होंने एक वीडियो डाला, उन्होंने बोल रखा है कि हमने कोटा की बेस्ट फैकल्टीज को हायर किया है, और जो है ना मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो है ना मिनिमम कॉस्ट में ही आपको जो है ना देंगी, पूरा जो है ना जेई नीट हो गया सब कुछ जो है ना आपको मिनिमम कॉस्ट में ही मिलेगी। अगर अमन भैया का कोर्स जो है ना 10K तक 10,000 तक भी मिल जाता है ना, आप ले लीजिए आंखें बंद करके, ठीक है ना, और अगर आप
बैकलॉग सर्वाइव कर सकते हो तो फिजिक्स वाला उत्कर्ष क्लासेस दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो यह है मेरे द्वारा सजेस्ट किए गए 3 बेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर जेई। दूसरे काफ़ी बढ़िया है, बहुत से है बढ़िया बढ़िया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, पैसों की। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पैसे कह रहे हैं, इतने पैसे हम देंगे नहीं, हम तो जो है ना है हिंदुस्तानी सस्ता, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा जो है ना लेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इस पूरे वीडियो से आपको कुछ जो है ना थोड़ी बहुत गाइडेंस मिल गई होगी। अगर मिल गई है तो जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है ना अपने फ्यूचर के लिए किसी एक कोर्स को खरीद कर जो है ना अपनी पढ़ाई जो है ना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।